के बायस कराची के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर हुई है। मलीर, सुजानी, सदर, एयरपोर्ट और नाजाबाद समेत दीगर इलाकों में बिजली फराहमी मुतासर हुई है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, मामले का जायजा ले रहे हैं। मजीद जानकारी आज न्यूज सदरबाद से सदर अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल बताया जा रहा है कि गुड्डू थर्मल पावर प्लांट में जो है वो फनी खराबी के बाइस इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन भी जो है वो मुतासर हुई, जिसके बाइस कराची का बड़ा हिस्सा जो है वो बिजली से महरूम हो गया है। इन इलाकों में मलीर, सुजानी टाउन, एयरपोर्ट, नाजामाबाद समेत मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं। गुलशन म्यांमार, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, साइड सुपर हाईवे, नॉर्थ कराची, नाजामाबाद और इनकी बल्दिया समेत शहर का बीचता हिस्सा जो है वो बिजली से महरूम हो गया है। जबकि इलेक्ट्रिक की जानब से कहा जा रहा है कि मामले के जायजे लिए जा रहे हैं, सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक को भी मुख्तलिफ इलाकों से बिजली बंदिश की इतलात मौसूल हुई हैं, तो कहा जा रहा है कि जो फनी खराबी हुई है उसका जायजा लिया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास, हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताते चले कि कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है कि इलेक्ट्रिक के एक्स्ट्रा हाई एक्सटेंशन लाइन में खराबी के बायस कराची के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर हुई है। मलीर, सुरजानी, सदर, एयरपोर्ट और नाजाबाद समेत दीगर इलाकों में बिजली फराहमी मुतासर हुई है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, मामले का जायजा ले रहे हैं और फनी खराबी के साथ ही इसे जल्द ही बहाल करने की कोशिश की जाएगी। आपको पता चलें कि कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है कि इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई एक्सटेंशन लाइन में खराबी के बायस से कराची के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर हुई है। मलीर, सुरजानी, सदर समेत एयरपोर्ट और नाजामाबाद समेत दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर हुई है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, मामले का जायजा भी ले रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द बिजली बहाल कर दी जाए। एक बार फिर आपको आगाह करते चलें कि कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है और इस दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली एकदम गायब हो गई है। और आपको बताते चलें कि अभी भी इतलात मिल रही हैं कि सिंध और पंजाब में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी बंद हो गई है। कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद है। जकवाबाद, शिकारपुर, सिब्बी, दादू, घोटकी में बिजली तातुल है। और आपको बताते चलें कि राजनपुर और इसके अलावा दीगर इलाकों में भी बिजली बंद है। आपको बताते चलें कि कराची में भी बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। एक बार फिर तफसीलात जानते नुमाइंदा आज न्यूज सफदर अब्बास से। सफदर, अपडेट कीजिएगा। आपको बताते चलें एक बार फिर कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है कि इलेक्ट्रिक के एक्स्ट्रा हाई एक्सटेंशन लाइन में खराबी हुई है। कराची के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी बंद हो गई है। गुलशन म्यांमार, एफबी एरिया, साइड सुपर हाईवे में बिजली गायब है। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजामाबाद, औरंगी, बल्दिया में भी बिजली गायब है। साइड इंडस्ट्रियल एरिया समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद होने की इतलात मौसूल रही हैं और मसले की तहकीकात कर रहे हैं। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का ऐसा कहना है। आपको बताते चलें कि कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है और के इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई एक्सटेंशन लाइन में खराबी के बायस कराची के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर हुई है। मलीर, सुरजानी, सदर, एयरपोर्ट और नाजामाबाद समेत एतराफ के इलाकों में बिजली फराहमी मुतासर हुई है। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद होने की इतलात मौसूल हो रही है।